नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीपी न्यूज़। और आईटीपी न्यूज़ में हम एक बार फिर कोरोना के जो मसला है लगातार देश में देखने को मिल रहा है, वहीं अब ये जेलों में भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कैदी हैं वो ना सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि कई जो कैदी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और लगातार ये जो तादाद है, लगातार जो ये संख्या है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें दिल्ली के तिहाड़ जेल की, तो यहाँ पर शहाबुद्दीन जो कि आरजेडी के पूर्व नेता हैं और सांसद हैं, उनको भी कोरोना होने की खबर है और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो न सिर्फ बाहर बढ़ रहे हैं बल्कि उनकी स्थिति जो है जेलों में भी गंभीर होती हुई नजर आ रही है, और लगातार ये जो मामले हैं ये अब बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे भी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो अस्पताल है, तमाम लोग जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। इसलिए अगर आप क्या सोचते हैं, लगातार कमेंट करके बताते रहिए, और साथ में ये भी बताइए कि हम किस तरह के प्रोग्राम करें। और साथ में अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स आपको नजर आए जो कोरोना को से प्रभावित है, कोरोना में कहीं ना कहीं उसके जो अपने हैं या जो वो खुद भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उस तक मदद जरूर पहुँचाइए। और लगातार आईटीपी न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।